અસ્તુતિ નવેસીના સુરતના એક દિવસીય પ્રવાસ પર આવ્યો મોટો વિવાદ. અસ્તુતિ નવેસીને ઝાપા બજારમાં 10 મિનિટ રોકાવા બદલ પૈસા લેવા હોવાના આક્ષેપો કર્યા. વસીમ કુરેશી તથા ખુરશીદ અહેમદે પૈસા લેવાના કર્યા આક્ષેપો. ઝાપા બજારના મઝર બાપુએ મીડિયા સમક્ષ મોટો ખુલાસો કર્યો. ઝાપા બજારના કાર્યકર્તા દ્વારા વિરોધ કરાયો. સુરત શહેરના એઆઈએમઆઈએમના યુવા ઉપપ્રમુખ દ્વારા વિરોધ કરાયો. 10 મિનિટ રોકાવા બદલ 3.5 લાખ માંગ્યાના આક્ષેપો કર્યા, જેમાંથી 2.5 લાખ રૂપિયાના આક્ષેપો કર્યા. 4 જગ્યાએ સ્વાગત કરવાના નામે પૈસા લેવાના આક્ષેપો કરાયા. જાન જોખમમાં મૂકી મીડિયા સમક્ષ ખુલાસો કર્યો. લોકોને વિશ્વાસ જીતી એક પ્લેટફોર્મ પર લાવનારની વાતો કરનાર પાર્ટીએ કાર્યકર્તાઓ સાથે જ કરી છેતરપિંડી. જી, આપકા નામ? મેરા નામ સૈયદ મઝર હૈ. મેં સુરત શહેર એમઆઈએમ પાર્ટી કે અંદર શહેર કા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હું. સૈયદ ભાઈ, પ્રેસ કોન્ફરન્સ ક્યું કિસ બારે મેં રખા ગઈ હૈ? પ્રેસ કોન્ફરન્સ ઇસ બારે મેં રખા ગયા હૈ કે ગઈ કલ રવિવાર કે રોજ 22 તારીખ કો અસદ સાહેબ સુરત માં આયે થે. તો અસદ સાહેબ કા યે પ્રોગ્રામ ઝાપે બજાર મેં મતલબ એક સ્ટોપ લિયા થા હમને ઓર સાહેબ કો યહાં પર રુકા કર उनका स्वागत करना था. तो उस स्वागत में हमारे साथ छेतरपिंडी हुई, उसके अकॉर्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है. किस बात की छेतरपिंडी हुई थी और क्या था पूरा मामला? छेतरपिंडी ये हुई कि हमारे प्रदेश के जो प्रदेश लेवल के जो हमारे नेता है खुर्शीद अली सैयद और हमारे शहर के जो प्रेसिडेंट है वसीम भाई कुरैशी, उन्होंने एक दिन के पहले हमारे साथ डील की कि आप इस एरिया के अंदर अगर फेमस होना चाहते हो तो असद साहब को इधर स्टॉप कराओ. वैसे असद साहब का शेड्यूल कोई ऐसा था नहीं झापे बाज़ार में स्टॉप का, लेकिन आने के एक दिन के पहले हमको ये स्कीम दिया गया. कट कर दो. आने के एक दिन के पहले हमको ये स्कीम दिया गया कि आप असद साहब को झापा बाज़ार में रुकाओ तो फ्यूचर में इलेक्शन के अंदर आपको उसके बेनिफिट्स होंगे और असद साहब यहाँ पर आएंगे तो आप लोग बहुत फेमस हो जाओगे. तो मैंने उनको बोला साहब असद साहब को लाने के लिए क्या करना होगा. तो उन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए की डिमांड की कि आप 5 लाख रुपए हमको पार्टी के अंदर देंगे, मतलब उनके पर्सनल के लिए नहीं, पार्टी के अंदर आप हमको 5 लाख रुपए देंगे तो असद साहब सूरत के अंदर झापा बाज़ार विस्तार के अंदर आपसे मुलाकात करने आएंगे और आपके एरिया के अंदर आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. तो वो डील के अंदर बोला साहब मैं इतने सारे पैसे तो नहीं खर्च कर पाऊँगा. तो हमारे बीच में 3.5 लाख के अंदर डील हुई, जो डील वसीम भाई कुरैशी ने मेरे साथ की. और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये बारे में मैं और खुर्शीद अली सैयद हम दो के अलावा आपको और किसी को बताना नहीं है. तो इन दो के तहत ये डील तय हुई हमारी. एक दिन पहले रात में आके वो लोग निरीक्षण भी करके गए. ये 3.5 लाख रुपये में 2.5 लाख रुपये उनको हैंड टू हैंड में दे चुका हूँ और 1 लाख रुपये प्रोग्राम के सेकेंड डे मुझे देने थे, यानी कि आज दोपहर में देने थे, पर कल असद साहब को वो लोग लाए नहीं हैं तो वो 1 लाख रुपये मैंने उनको अभी तक पे भी नहीं किया है. तो इस बार अभी पार्टी के अंदर आप क्या करना चाहते हो? पार्टी के अंदर असद साहब एक बहुत ऊंची विचारधारा के इंसान हैं, उनकी हम बहुत तहे दिल से इज्जत करते हैं और असद साहब की विचारधारा से हम जुड़े हैं. इस पार्टी के अंदर हम वसीम कुरैशी और खुर्शीद अली सैयद की विचारधारा से नहीं जुड़े. तो पार्टी तो हम नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमको अगर पार्टी से नहीं निकाला गया. हम अपनी मर्जी से तो पार्टी में रहना चाहते हैं, रहेंगे. और जो पॉपुलेशन हमने कमाया है, हमने असद साहब की विचारधारा हमारे जहन में बिठा कर और लोगों की खिदमत करके हमारे एरिया के अंदर हमने पॉपुलेशन पॉपुलर हुए और हमने हमारे लोगों के बीच में हमारी इज्जत जो बनाई है वो असद साहब की विचारधाराओं को हमारे मन में उतार के हम हमारे एरिया के अंदर फेमस हुए. तो हम किसी वसीम कुरैशी या खुर्शीद अली सैयद के लिए पार्टी को नहीं छोड़ेंगे. तो उसके बाद जो पैसे दिए थे वो कौन सी जगह दिए थे? फिर आप उसके बाद आप फरियाद दाखिल करोगे उनके ऊपर? अब पैसे का मामला ऐसा है कि एक दिन के पहले जब वो लोग रात में स्टेज को निरीक्षण करने आए थे और मुझे जिन जिन स्पॉट के ऊपर साहब का स्वागत करना था, मेरे हस्तक टोटल 4 स्पॉट पे स्वागत था. झापा बाज़ार देवड़ी, जहाँ वोराजी लोगों को भी इकट्ठा करना था, मेरे कितने वोराजी मित्रों को भी मैंने जमा किया था, उस स्पॉट पे मेरे को साहब का इस्तकबाल करना था. दूसरा झापा बाज़ार मटन मार्केट से थोड़ा आगे दरगाह के पास मुझे उनका इस्तकबाल करना था. उसके थोड़ा आगे रब्बानी टी सेंटर मोती टोकीस, वहाँ पर मेरे को उनका इस्तकबाल करना था. और संगम बैंड उदना लिम्बायत में मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं,
तो मुझे पार्टी की तरफ से प्रेशर किया गया था कि आपको लिंबायत के अंदर ही पब्लिक इकट्ठा करनी है। तो मेरी चाहत वाले लोगों ने लिंबायत के अंदर भी बहुत बढ़िया इंतजाम किया था, लेकिन सांप की गाड़ी को हर जगह से हमारे सामने लेकर चले जाया गया, लेकिन हमें खिदमत का मौका नहीं मिला, ना कि हमारे पास रुकाया गया। जबकि अल खलील टी सेंटर वाला हमारे संगठन से कोई भी जात का मतलब उसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ पर रुका के फूलहार कराए गए, लेकिन हम संगठन के लोग होने के बावजूद हमको सांप के करीब भी नहीं जाने दिया गया। लॉर्ड्स प्लाजा में फुल डे सांप ने स्टे किया, लेकिन लॉर्ड्स प्लाजा के अंदर प्राइवेट होटल का फ़ायदा उठाकर वसीम कुरैशी ने हम में से कितने जिम्मेदार, यानी कि युवा के जितने बंदे हैं, उन्होंने अपनी विंग्स के अंदर के तमाम बंदों को अंदर जाने दिया, लेकिन हम जो युवा के संगठन के लड़के हैं उनमें से एक को भी सांप से मिलने ना दिया। हमें यह फील हो रहा था जानो हम कोई चौकीदार है। नहीं, जो डील कहाँ हुई थी ऐसी, किस जगह पैसे के लेने देने की डील कहाँ हुई थी? पैसे जो डील है वो हुआ था मेरा माहिरा पार्क के ग्राउंड के अंदर। माहिरा पार्क में वसीम भाई के घर के पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में सांप के आने के पहले कहीं 25 मीटिंग हुई है। उन मीटिंगों के अंदर एक मरतबा मैं और वसीम भाई के अंदर बैठ कर ये बात हुई, तो मैंने डील वसीम भाई से वहाँ पर करी थी, और पैसा खुर्शीद साहब की रेंज रोवर कार के अंदर दिया है। तो खुर्शीद साहब के ऊपर आप फरियाद दाखिल करोगे या कुछ डर लग रहा है आपको? मुझे डर है कि संगठन के अंदर ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं जुड़ा था सिर्फ कौम की खिदमत के लिए, लेकिन मेरी जान को कोई ख़तरा ना हो जाए इसलिए मैं डर रहा हूँ। तो मैंने अभी तक कोई फरियाद की नहीं है, लेकिन अगर मैं डर के बैठ गया तो मेरी तरह पता नहीं कितने युवाओं का शोषण होगा, इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा है। ओके, खुर्शीद अली सैयद और वसीम भाई कुरैशी ने जो हमारे साथ दगा किया है उसके लिए तो हम उनको कभी लाइफ में माफ़ नहीं करेंगे। उसके अलावा अहमदाबाद से आए हुए तमाम नेता, साबिर भाई काबलीवाला, चिश्ती बापू वगैरह, प्रदेश लेवल से जितने भी आए थे, हमें उनसे कोई गिला सिकवा नहीं है, ना कि असद साहब से कोई गिला सिकवा है। MIM पार्टी बिल्कुल जेन्यून है और हम उसकी फेवर में हैं, और इंशाल्लाह हम MIM के साथ ही रहेंगे।